उत्तराखंड के उधमपुर में पीएम मोदी का राहुल पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि मोदी को तीसरी बार चुना तो देश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया किच्छत्तीव द्वीप का जिक्र। कहा कि जिसके नेता देश के टुकड़े करने की बात करते हों, जो किच्छत्तीव को श्रीलंका को दे देते हों, कि ऐसी कांग्रेस देश की रक्षा कर पाएगी। उत्तराखंड की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि मैं इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार करेंगे। सीए का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देने पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ। पीएम मोदी का आज शाम 6 बजे बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सुनीता केजरीवाल से मिले आम आदमी पार्टी के विधायक। कहा कि दिल्ली की पूरी जनता आपके साथ, किसी कीमत पर इस्तीफा ना दे केजरीवाल, जेल से चलाए सरकार। दिल्ली के मंत्री अतिशी का बड़ा आरोप। कहा कि बीजेपी ने मेरे करीबी से पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया था, मुझ पर बनाया था दबाव। अतिशी बोली, अभी आपके 4 और नेताओं को किया जाएगा गिरफ्तार। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक के साथ मुझे अरेस्ट करने की साजिश। आपकी मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा कि 31 मार्च को जो रामलीला मैदान में दिखा, उससे बीजेपी के होश उड़ गए। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। केजरीवाल ने पूछताछ में अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। कहा कि मुझे नहीं, दोनों को रिपोर्ट करता था विजय नायर। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा कि आप में शुरू हुई है सीएम पद के लिए लड़ाई। एक तरफ है सौरभ भारद्वाज और दूसरी तरफ है सुनीता और अरविंद केजरीवाल। अतिशी के आरोपों पर बोले सांसद मनोज तिवारी। कहा कि दिल्ली की जनता को सब पता है, घोटाले का सरगना खुद बता रहा है कौन कौन शामिल है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचने पर दिल्ली बीजेपी ने जारी किया एक पोस्टर। पोस्टर में केजरीवाल पर कसा तंज, लिखा शराब घोटाले के गुनाहगार, शीश महल टू दिलाहार। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले उमर अब्दुल्ला, देश की जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक, दुनिया के ताकतवर देशों ने भी किया नोटिस। मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, जनता जमानत याचिका पर सिसोदिया के वकील की सुनी दलीलें। 6 अप्रैल को ईडी की दलीलें सुनेगी कोर्ट। इसी ने 6 राज्यों में स्पेशल पुलिस और जनरल पर्यवेक्षक भेजे, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी और बंगाल में तैनाती। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 112 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस की संयुक्त बैठक, बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के चन्नापटना टाउन में शाम को 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी और जेडीएस के नेता भी होंगे रोड शो में शामिल। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले पशुपति पारस। मुलाकात पर नड्डा ने किया पोस्ट, बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों को समर्थन देगी पशुपति पारस की पार्टी। टिकट कटने पर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद हुए बागी, पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ छल किया। बिहार में अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन की, पवन खेड़ा ने दिलाई सदस्यता। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद। पंजाब में बीजेपी में शामिल हुए सुशील कुमार, रिंकू और शीतल अंगुराल को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। सीआरपीएफ के 11 जवानों की होगी अब सुरक्षा घेरा। पीलीभीत में सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का संबोधन किया। कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, माफिया अपराधी पस्त। कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन, राजनांदगांव से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीएम मोदी को अपने तमाम झूठे आरोपों का देना चाहिए जवाब। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, डिप्टी सीएम फडणवीस भी साथ, बड़ी संख्या में लोगों ने किया हिस्सा। एनडीए में आदित्य ठाकरे का निशाना। कहा कि यवतमाल में एनडीए नहीं उतार सका है उम्मीदवार, हमारी पार्टी के 40 गद्दारों को जनता ने किया है खारिज। विदर्भ दौरे पर नागपुर पहुंचे शरद पवार, नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने की है मुलाकात, विदर्भ की सभी सीटों पर चर्चा की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पद्मश्री डॉक्टर एचसी डाबर से करेंगे मुलाकात, शाम को 7:10 पर उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने भरा पर्चा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। नॉमिनेशन से पहले अरुण गोविल को पत्नी और बेटी ने लाया तिलक, बोले कि लोगों से मिल रहा हूं, लोगों का रिस्पांस अच्छा है। मेरठ में नॉमिनेशन से पहले बोले अरुण गोविल, बीजेपी ने मुझे अपने घर से प्रत्याशी बनाया, मैं अब अपने लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य से शुरू हुआ प्रचार अभियान। कहा कि मैंने अपने पिता को किडनी दी, लेकिन सारण की जनता के लिए मेरी जान हाजिर है। रोहिणी आचार्य ने चुनाव अभियान शुरू करने से पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया। तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि मैं अपने भगवान का आशीर्वाद लिए चुकी हूं, अब मैं जनता के द्वार पर जा रही हूं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर तंज। कहा कि लालू ने 2 बेटे और 2 बेटियों को चुनाव में उतारा, अभी हमारी 5 बहनें बच गई हैं, उनको भी कब उतारेंगे। पति नकुल नाथ के लिए प्रिया नाथ ने मांगे वोट, छिंदवाड़ा के कांग्रेस उम्मीदवार हैं नकुल नाथ। कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया, कोलकाता उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी। चेन्नई के कोलातपुर में उदयनिधि सालीन की कैंपेनिंग, नॉर्थ चेन्नई सीट से डीएम के प्रत्याशी कलानिधि वीरास्वामी के लिए वोट मांगे। मदुरई में तमिलनाडु के मंत्री पी थिग्याक राजन ने रोड शो किया, एनडी गठबंधन से सीपीआईएम उम्मीदवार
वेंकटेशन के लिए मांगे हैं वोट। एआईएडीएमके महासचिव पलानीसामी ने थिरुपुर मार्केट पहुंचकर लोगों से पार्टी के पैम्पलेट बांटे। तमिलनाडु के तिरुचापल्ली में टीआर परिनेधवर के शुरू किया प्रचार। पेरम्बलूर सीट से हैं बीजेपी उम्मीदवार। दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन ने लोगों से किया वादा, जीतने पर चेन्नई को जलभराव और बाढ़ से निजात दिलाएंगे। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। खोवाई में एक रोड शो में शामिल हुए सीएम मानिक शाह। गोरखपुर में रवि किशन ने चाय बनाकर शुरू किया अपना चुनावी अभियान। कहा कि विपक्ष ने मोदी जी को चाय वाला कहा था, जिसने गरीबी देखी है वो इस देश को चला सकता है। वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर केरल के सीएम विजय के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सीपीएम और कांग्रेस में सीटों को लेकर चल रहा है झगड़ा। एसडीपीआई ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को दिया समर्थन। केरल बीजेपी चीफ सुरेंद्रन बोले कि आतंकी संगठन पीएफआई की राजनीतिक संस्था है एसडीपीआई। दिल्ली के मानिक शॉ ऑडिटोरियम में सेना कमांडर्स का सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। यूएन जनरल 2024 का भी अनावरण हुआ। वियतनाम के होचीमिन बंदरगाह पर पहुंचा भारतीय जहाज समुद्र पहरेदार। आसियान देशों में प्रदूषण नियंत्रण पोत के तौर पर तैनात रहेगा।